नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार में बम्पर भर्ती आई हुई है, बिहार प्राइमरी टीचर की अच्छी भर्ती आई हुई है। लगभग 6.5 लाख से ज़्यादा लोग अप्लाई कर चुके हैं बिहार प्राइमरी टीचर भर्ती में। तो आज बिहार प्राइमरी टीचर की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, बिहार प्राइमरी टीचर में हिस्ट्री के लिए क्या खास है। तो देखिए, बिहार प्राइमरी टीचर में इतिहास, बिहार प्राइमरी टीचर का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें आप लोग देखे हैं और बिहार प्राइमरी टीचर के जो पाठ्यक्रम हैं उसमें आपका एक यूनिट आपका दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का यूनिट है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नीचे 1857 की क्रांति। एक बात आपको बता दूं, यह जो बिहार में प्राइमरी टीचर की भर्ती आई हुई है, इसकी इसकी जो परीक्षा है, इसकी परीक्षा कराने की जो तैयारी है, वह बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का है, मतलब BPSC इसकी परीक्षा करा रहा है। पहली बात, मुद्दे की बात करूंगा कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ही बिहार प्राइमरी टीचर की भर्ती की परीक्षा करा रहा है, जिसमें 6.5 लाख से ज़्यादा लोग अप्लाई कर चुके हैं। मैं गिन कर नहीं बैठा हूं, मैं बार बार सुनता हूं कभी कोई 6 लाख, कभी 7 लाख, क्योंकि इस पर मैं वीडियो बनाता नहीं हूं। तो लगभग यकीन होगा कि 6.5 लाख के करीब अप्लाई किए हुए हैं बिहार प्राइमरी टीचर भर्ती में। ठीक है, 1857 की क्रांति और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, दो यूनिट को इसमें जोड़ा गया है इसमें सिलेबस में बिहार प्राइमरी टीचर में। देखिए, बिहार पीसीएस की जो परीक्षा होती है, अगर आप उस पर गौर करें, बिहार पीसीएस की परीक्षा होती है, जो भी इधर 10 वर्षों से जो भी 68वीं, 69वीं, 67वीं, 66वीं BPSC एग्जाम हुआ है प्रीलिम्स का, उसके हर पोर्शन पर अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें इतिहास से ज़्यादा ज़्यादा प्रश्न आता है। BPSC इतिहास से ज़्यादा प्रश्न पूछता है। लगभग 150 प्रश्नों में से 150 प्रश्नों में से BPSC 40 के करीब, कम से कम 40 अगर पूछेगा तो कम से कम 40 इतिहास का उठाता है। इतिहास सबसे ज़्यादा BPSC पूछता है प्रीलिम्स में। तो यह यकीन मानिए कि बिहार प्राइमरी टीचर भर्ती में भी, आप ये मत सोचिए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और 1857 क्रांति में छोटी दो यूनिट दिया गया है, ठीक है, मतलब जो सिलेबस का पेज है उसके 1/10 स्थान पर सिर्फ इतिहास की बात की गई, 1/10 स्थान में ही इतिहास को सिकोड़ दिया गया है। लेकिन यकीन मानिए कि BPSC इतिहास को ज़्यादा तरजीह देता है, इतिहास के प्रश्न BPSC पूछता है बिहार PCS में। तो इसमें भी 120 प्रश्न अगर आपके आएंगे, जिसमें आपका रीजनिंग भी होगा, मैथ भी होगा, साइंस भी है, पर्यावरण भी है, और उसके बाद भूगोल भी है आपका, हाँ, तो इस और भारतीय और इतिहास में आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और 1857 की क्रांति है, तो यकीन मानिए इसमें 120 में से कम, मैं बोल रहा हूँ, कम से कम 25 प्रश्न, मैं कम से कम की बात करूँगा, अधिक से अधिक तो मैं 35-40 की बात कर सकता हूँ, लेकिन कम से कम यह जानकारी कर लीजिए कि 25 प्रश्न आपके इतिहास से आएंगे, मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और 1857 की क्रांति को लेकर दोनों मिलाकर 25+ ही प्रश्न हो सकते हैं, और 25 प्रश्न अपने आप में बड़ी यूनिट होते हैं, बहुत बड़ा संख्या होती है 25 प्रश्न। और 120 में 25 प्रश्न की तैयारी आप बेजोड़ तरीके से कर सकते हैं। और इसकी तैयारी कैसे करें, अब बात करेंगे कि 25 प्रश्न हमने बता दिया कि लगभग 25 से 30 प्रश्न आपके रहेंगे, 25 से 30 प्रश्न किसके रहेंगे, आपके भारतीय इतिहास के रहेंगे। तो 25 से 30 प्रश्न जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और 1857 की क्रांति के हैं, इसकी तैयारी कैसे करें, सबसे बड़ा ये 6 प्रश्न, और समय कम है। तो देखिए, तैयारी तो मुझे लग रहा है कि जो लोग लगातार तैयारी करते आए हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। हाँ, अलग बैटर है कि जो लोग अभी अभी जगह हैं, सिर्फ बिहार में प्राइमरी टीचर भर्ती आई है और तैयारी शुरू कर दी हैं, भाई उनके जज्बे को भी मैं प्रणाम करता हूँ कि अगर वह उस जज्बे के साथ तैयारी कर रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो वो उनका भी सिलेक्शन होगा। लेकिन जो तैयारी करते हैं उनको विशेष अवसर मिलेगा, विशेष उनको फायदा मिल सकता है, लाभ मिल सकता है, क्योंकि देखिए उसमें बिहार PCS में मैं बताया भी हूँ, उसमें इतिहास पूछता है, ज़्यादा संख्या में पूछता है, तो इसमें भी 25 से 30 प्रश्न पूछेंगे, और ये जो 25 से 30 प्रश्न पूछेंगे इसकी तैयारी बहुत कम समय में आपको पूरी करनी होगी, बहुत कम समय में पूरी करनी होगी। देखिए, एक चीज़ बता दूँ, घटना चक्र आता है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको, कम समय में इतिहास को किस तरह से खंगाल लीजिए, बिहार प्राइमरी टीचर भर्ती के मद्देनज़र खंगाल लीजिए, यह मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, घटनाचक्र आता है, घटनाचक्र का पुनरावलोकन मत लीजिए, घटनाचक्र का GS पॉइंटर लीजिए, वह PDF भी आपको सोशल मीडिया मिल जाएगा, घटनाचक्र GS पॉइंटर, ठीक है। यह घटनाचक्र GS पॉइंटर जो होता है हर सब्जेक्ट का होता है, भारतीय राजव्यवस्था का भी होता है, इतिहास का भी होता है, भूगोल का भी होता है, ठीक है, और साइंस का भी होता है। तो घटनाचक्र GS पॉइंटर लीजिएगा, घटनाचक्र GS पॉइंटर आधुनिक भारत, घटनाचक्र GS पॉइंटर मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत, ठीक है। और उसमें
अगर आप देखिए उसमें अगर आपके पास समय है, अगर आपका रुचि है, तो मैं तो यही कहूँगा घटनाचक्र जीएस पॉइंटर आधुनिक भारत का जो पीडीएफ आपके पास होगा या घटनाचक्र जीएस पॉइंटर का जो नोट्स है आधुनिक भारत का, आधुनिक भारत के इतिहास का, उसको एकदम चाट लीजिए आप, उसको एकदम पूरी तरह से फिनिश कर दीजिए, उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अगर आप बीपीएससी की परीक्षा देते रहे हैं तो आपको याद करना बहुत मुश्किल नहीं है, आप पूरी तरह से याद कर सकते हैं। और आधुनिक भारत का घटनाचक्र जीएस पॉइंट अगर आपने पूरी तरह से कर लिया है तो मैं यकीन मानता हूं कि अगर 25 प्रश्न अगर आपके आ गए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या 1857 की क्रांति के मिलाकर, तो 25 के 25 प्रश्न उस घटनाचक्र जीएस पॉइंटर से आ सकता है। अगर 30 प्रश्न आए तो 30 प्रश्न आपको वहां से मिल सकता है, ठीक है, जितने भी प्रश्न आएंगे वहां से आ जाएंगे। हाँ, लेकिन अब आप ये कहेंगे कि पूरा आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है? भाई हमें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने हैं ना, हमें 1857 क्रांति पढ़नी है ना। तो बिल्कुल, अगर आपके पास समय थोड़ा और कम है, समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो आप ऐसा करिए 1857 की क्रांति के पोर्शन को पढ़ लीजिए और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उसमें आपको सर्च करना होगा, देखना होगा, आप अच्छे से देखकर उसमें भी सर्च करके आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप पूरी तरह से चाट लीजिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सिलेबस में रहता है वह चीज़, लेकिन घुमा फिरा कर उसी मतलब कि इर्द गिर्द प्रश्न आ जाते हैं और उसको यह मान लिया जाता है वह सिलेबस में है। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या होना चाहिए? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में होम रूल लीग होना चाहिए, गरम दल नरम दल होना चाहिए, बंगाल का विभाजन होना चाहिए, साइमन कमीशन होना चाहिए, भारत छोड़ो आंदोलन होना चाहिए, अहमदाबाद मिल हड़ताल महात्मा गांधी का जो था, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा, ठीक है, जो क्रांतिकारी आंदोलन रहा है चंद्रशेखर आज़ाद का, भगत सिंह का, अशफाकुल्ला खां का, ठीक है, काकोरी कांड रहा है, ये सब आपके होने चाहिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो आज़ाद हिंद फौज आदि की जो घटनाएं थी यह होना चाहिए। लेकिन कभी कभी आपको कुछ अलग भी पूछ सकता है, कभी कभी आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी उठा सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको रिस्क नहीं लेना है। अगर आप तैयारी वाले अभ्यर्थी हैं, अगर आप बस ने समय कम, अगर आपने कभी तैयारी नहीं किया है ज़्यादा, बीपीएससी का ज़्यादा फोकस नहीं किया है, तो कोई बात नहीं है, आप सर्च करके आराम से पढ़ लीजिए, लेकिन जीएस पॉइंटर से ही पढ़िएगा, आधुनिक भारत का है। और अगर आपने तैयारी की है, अगर आप पहले से पढ़े हैं घटनाचक्र जीएस पॉइंटर, तो मैं तो यही कहूँगा रट्टा मार लीजिए, बहुत आराम से 25 से 30 प्रश्न आपकी झोली में आ जाएंगे और यह आपकी मेरिट को काफ़ी ऊपर तक उठाएंगे। 120 प्रश्न जब आपका बिहार प्राइमरी टीचर का 120 प्रश्न आ रहा है, इसमें आपको 85 प्रश्न अदर स्टेट वाले जो हैं, मैं यकीन मानकर कहता हूं आप लोगों के सामने, अगर 85 प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 85 प्रश्न, सही प्रश्नों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरा माइनस मार्किंग ले देकर बात कर रहा हूँ, मतलब कट पिट कर अगर आपके 85 प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, तो पूरी तरह से आप यकीन मानिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अनारक्षित की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यह जानकारी मैं पूरा मैं कट ऑफ के आधार पर बताया भी हूँ, तो कम से कम अगर 85 प्रश्न आपको सही करने हैं, तो 25 प्रश्न आप भारतीय इतिहास से सही कर लीजिए, भारतीय इतिहास से 25 से 30 प्रश्न मैं यही बोल रहा हूँ कि बीपीएससी इतिहास को तरजीह देता है। बिहार पीसीएस का प्रीलिम्स का कोई पेपर उठाइए, जाकर देखिए 35% 40% 45% तक इतिहास ही आते हैं, मतलब उतना प्रश्न आपके भूगोल के नहीं आएंगे, साइंस के नहीं आएंगे, राजव्यवस्था के नहीं आएंगे, जितना प्रश्न इतिहास का उठाता है। और इसी तरह से मैं कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करते रहिए, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, धन्यवाद। और भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद आप लोग को।